पेयजल समस्या को लेकर मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग में वार्ड 28 के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने अधीक्षण अभियंता जेपी मीणा के कार्यालय का घेराव किया और वार्ड 28 में लंबे समय से बाधित पेयजल समस्या को निर्बाध रूप से शुरू करने की मांग की। वार्ड 28 की महिला पार्षद ने बताया कि वार्ड में पिछले कई सालों से पानी की समस्या है जो गर्मियों के दौरान विकराल रूप धारण कर लेती है। पिछले कुछ दिनों से लोगों को बूंद कर पानी के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उन्होंने बताया कर्मचारियों द्वारा मनमर्जी तरीके से पानी की सप्लाई दी जाती है। पानी की सप्लाई इतनी कम होती है कि लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता। उन्होंने बताया कि गर्मी के दिनों में हर 2-3 दिन में जलदाय विभाग को समस्या से अवगत कराना पड़ता है, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पार्षद ने कहा जलदाय विभाग का नकारापन जनता को झुलसा देने वाली गर्मी में विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर कर रहा है। और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और हम हरदेव विहार लाल डिग्गी से यहाँ आए हैं। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 28 है। 45 डिग्री तो हम वहाँ से आए पानी की समस्या को लेकर, और यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन ये निठल्ले अधिकारी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। रोजाना झूठे आश्वासन देकर के कह देते हैं चलो चलो पानी आ जाएगा। जब 3 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है तो हम सब लोग यहाँ औरतें और 5-7 लोग हम जो मिलकर के यहाँ इनसे पानी के लिए कहने के लिए आए, तो ये कह रहे हैं हाँ हवाई भेज देंगे। ये चक्कर अभी आप अधिकारी से बात कर रहे थे, क्या मामला है? लॉन्ग ये ठीक है, आप यहाँ से जाइए, आप ऊंची आवाज में मत बोलिए। अरे आज हम कल शाम को बढ़िया मीठी आवाज में बात करके गए तो आपने वो काम क्यों नहीं किया? अगर पानी आ जाता तो हम धूप में यहाँ क्यों आते? तो तेज भी बोलना पड़ता है, महीनों से हम परेशान हैं, लेकिन ये सुनते ही नहीं है किसी की। इसके अगर ये नहीं सुनेंगे तो आगे सब बच्चों को लेकर के यहाँ धरना देंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। कॉलोनी लालडी की वार्ड नंबर 28 के मेंबर हूँ। आज पिछले कितने 3-4 महीने हो गए बूंद भी, मतलब पानी आता है वो कहते हैं हमने खोल दिया, पानी घर तक पहुंचता नहीं है। उसमें कुछ घर तो ऐसे हैं जहां 4 साल से कंटिन्यूस टैंकर आ रहे हैं, प्रशासन का कोई लेना देना नहीं, बिल फेंक के चले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं उनको। हम ऐसी धूप में सबको बेचारों को ले लेके आते हैं, ये अपने बस कागजों में नजरें झुका के हमने प्लान बना लिया, ये कर लिया वो करके काम खत्म हो जाता है इनका, फिर इनको कोई लेना देना नहीं। जाओ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर 2 दिन बाद आके फिर यहाँ खड़े हो जाए कि टाइम फालतू है किसी के पास, कि फालतू टाइम है किसी के पास। इनको ये लगता है कि हम बैठे हैं बस पूरे अलवर में प्रॉब्लम है। अरे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश तो करो, पानी नहीं हो तो समझ में भी तो पानी नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश तो करो। अभी अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं, वही आश्वासन है हाँ कि हमारे वो आएंगे कर्मचारी, पानी खोलेंगे, देखेंगे और फिर चले जाएंगे। या तो इनकी चाल रहती होगी कि पीछे पीछे थोड़ा ज्यादा खोल देते होंगे, वाल ज्यादा खोल देते होंगे तो पानी उनके सामने पहुंच जाता है, फिर हम 2 दिन बाद वहीं की वहीं होते हैं, फिर हमारा 2 दिन बाद का प्रोग्राम होता है, फिर हमें आना होता है। ये कोई तरीका थोड़ी ना, हर एक इंसान की अपनी टाइम की कीमत है, हर एक इंसान की। और उस कॉलोनी के 6 घर तो ऐसे हैं कि उनको एक बूंद पानी नहीं मिला पिछले 6 साल 3 साल से टैंकर आ रहे हैं कंटिन्यूस, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है इसमें, तो कोई नहीं है यहाँ पे सुनवाई करने वाला।